हुजूर, तू गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये बात ऑलमोस्ट एक महीने से मैं इसको सीख रहा था कि हम अपने बच्चों को कैसे प्रभु के पास, प्रभु के हाथों में, प्रभु की हजूरी में रख सकते हैं। आज मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, गूगलबाजी हमारी बड़ी सगी बाजी है, हम उससे बहुत कुछ हासिल करते हैं और बच्चे हमसे ज्यादा हासिल करते हैं। तो आज हमें इस बात को समझना है कि लोगों के माबूदों के अंदर हमने इन्वॉल्व नहीं होना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी जो आउटकम निकलता है, उसका जो आखिर में नतीजा मिलता है, हम उसको अपने लिए और अपने बच्चों के लिए आज चैलेंज के तौर पर लेंगे। जब हम इस मूर्ति पूजा की बात करते हैं, मैंने जो लफ्ज़ इसमें इब्रानी में लफ्ज़ इसका मैंने इंग्लिश इब्रानी बाइबल से मैंने इसको ढूंढा, उसका मतलब है तीमोना, TEMUNAH, तीमोना। तो उसका जो मतलब है ना, बड़ा खतरनाक है। उसकी उसकी जो आगे ट्रांसलेशन की गई है, उसको समझाया, एक्सप्लेनेशन की गई है, उसका मतलब है कि एक्सट्रीम हद तक किसी से मोहब्बत करना, किसी से प्यार करना, एक्सट्रीम लव। जैसे कहते हैं ना कि तेरे बगैर मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, ऐसे लोग लफ्ज बोलते हैं। उस हद तक किसी की प्रस्तुति करना, पूजा करना, ये इस इब्रानी लफ्ज का मतलब है। और ये खुदा के कलाम में आप जब हिब्रू बाइबल खोलेंगे आपको वहां पे मिलेगा, नीचे नंबर लिखा हो, नंबर को क्लिक करेंगे तो उसकी सारी आगे एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। तो इसका मतलब है कि जो शख्स गैर माबूदों के सामने झुकता है या अपने बच्चों को वहां पे उनके साथ लेके जाता है, वो जिंदा खुदा को छोड़कर उनके साथ इन्वॉल्व हो जाता है। 2 हफ्ते पहले पास्टर जी ने इसी तालक से बात की थी, हम उसको नहीं दोहराएंगे, हम आगे बात करेंगे। सृष्टि की किताब में खुदावन ने क्या कहा, पहले उसको देखते हैं। चौथे बाब को निकालें प्लीज, सृष्टि चौथा बाब। खुदा ने अपने लोगों से बात की थी, छठे बाब की चौथी आयत से हम पढ़ेंगे। छठे बाब की चौथी आयत से, सुन आए इसराइल, सुन मसीहियों, सुनो ब्लेसिंग बैतेल, सुनो क्लिसिया के लोगों, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है, और अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रख। आगे आगे फिर संडे स्कूल की बात है, बड़े तीसरा लिखा है, ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तुम्हारे दिल पर नक्श रहे और तू उनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना, घर बैठे, राह चलते, लेटते और उठते वक्त उनका इनका जिक्र किया करना, और निशान के तौर पर उनको अपने हाथ पर बांधना, और तेरी पेशानी पे टीकों की मानद हूं, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। जब इंटर होंगे घर में तो सामने लिखा होगा हालेलुया, बर्रे की ताजीम हो, खुदावन की ताजीम हो। और जब मेरे दौर में संडे स्कूल होता था
तो संडे स्कूल की मिस पर्चियां लिख लेके ना बाइबल वर्सेस पॉकेट में डालती होती थी, माएं बनकर देके भेजती होती थी। जब बच्चा आता था तो माएं बरकत देती थी, बाप उनको बरकत से वेलकम करता था, क्योंकि उनको पता था, सुन आए इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है। सारे दिल, सारी ताकत, सारी कुवत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत। और फिर इस बात को बहुत जगह पे लिखा हुआ है, इस्तिश्ना में बहुत जगह पे लिखा है, और नए अहदनामा में जब हम लुक मरकस की अंजील, मत्ती की अंजील पढ़ते हैं, लुका की अंजील पढ़ते हैं, तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा था, 10 बाब निकालें इसकी, लुका 10 बाब निकालेंगे तो लिखा है 27 आयत में, उसने जवाब में उनसे कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, अपने पड़ोसी से अपनी मानत, अपने पड़ोसी से अपने बराबर अपनी मानत, उससे क्या कर, मोहब्बत। मेरे बहन भाइयों, ये हमारा पड़ोसी आगे फिर नेक सामरी की मिसाल है, कैसे पड़ोसी से मोहब्बत की गई। मेरे बहन भाइयों, अपना पड़ोसी ढूंढे जो आपके साथ अड़ोस पड़ोस में बैठा हुआ है, जो आप अपने लिए चाहते हैं, जैसी मोहब्बत आपकी अपने बच्चों के लिए है, उस मोहब्बत के साथ अपने पड़ोसी के बच्चों के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बुजुर्ग के लिए, अपने अजीजों के लिए मोहब्बत रखें, और उनसे कहें कि एदोनाई मेरा खुदा है, यहोवा मेरा खुदा है, हमारा खुदा जिंदा खुदा है, यहोवा यरी हमारा खुदा है, इसके बगैर कोई और नहीं है, क्योंकि क्रंथियों के खत में लिखा हुआ है कि कोई खुदा के बराबर है ही नहीं है। हम शयातीन की कुर्बानियों में, हम उन बुतों में, हम उनके सामने क्यों सजदा करते हैं? बजाहिर सजदा नहीं करते, लेकिन उनकी सारी रसूमात में हम ऐसे फजूल में, वो बाजियां यहां पे, वो लाल सनशान, उनकी फंक्शन उनका होता है, लाल सनशान ऐसे फजूल में लगा लेती हैं उनको इंप्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए। और ये सिर्फ एक ही बात नहीं है, इस जहान में आपको मालूम होना चाहिए, यूके में 1 वीक हैलोवीन की छुट्टियां, हैलोवीन जो भी लफ्ज़ है, एक हफ्ता ऑफिशियल छुट्टियां, स्कूल कॉलेज सब कर, और हर जगह पे मौत के निशान, मार्केट्स में, घरों में, बस स्टॉप पे स्क्रीन्स, मौत की स्क्रीनें चल रही हैं। और मुल्क कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम। किसका? मसीहियों का, बादशाह मसीहा, हर शख्स मसीहा, हर शख्स वहां पे मसीहा, और चल क्या रहा है? जिंदा खुदा की प्रस्तुति छोड़कर हेलोवीन सेलिब्रेट किया जा रहा है। और जब मुझे इस बात समझ आई, मैं बिटली बहुत रोया, मैंने कहा खुदावन इन लोगों पे रहम कर दे, इनके बच्चों पे रहम कर दे, इनके खानदानों पे रहम कर दे, इनकी क्रिश्चियों पे रहम कर दे, पासवानों को जगा दे। और बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं जहां पर अब चर्च नहीं है, वो पावर जिम जो होता है, जहां पे वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो बने हुए हैं। दुख से मैं सारी बात आज आपसे कह रहा हूं, हम जिंदा खुदा की प्रस्तुति करना नहीं चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? कुछ शॉर्टकट लगा देते हैं, बस सबको हम खुश करने की कोशिश में लगे होते हैं। इसलिए हमें इस बात को समझना है, जैसे मैंने आपसे बात की, पहला क्रंथियों 8 बाब की 5वीं और 6वीं आयत में, क्या 4वीं 5वीं आयत में क्या लिखा है कि खुदा के बराबर कोई नहीं है। क्या लिखा है? पास बुतों की कुर्बानियों के गोश्त की खाने की निस्बत हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कोई चीज नहीं है सिवा एक के, कोई और खुदा नहीं, एक जिंदा खुदा है। जब हमारे वक्त में 10 अहकाम सिखाए जाते थे, हमारे स्कूल टीचर, हमारे माँ बाप सिखाते, सच्चा जिंदा एक खुदा पे बुतों की पूजा ना कर, ये हमने सीखा हुआ है। हम ये तफसील से नहीं सीखते थे, हम पंजाबी में, वहां पर हमारा गांव पंजाबी गांव है, वहां सीखते थे सच्चा जिंदा एक खुदा पे बुतों की पूजा ना कर। हम इस तौर से 10 अहकाम को सीखते थे, और यहां पर खुदा पौलुस रसूल हमें सिखाते हैं कि कोई बुत नहीं है, बुत कोई चीज नहीं है,
ये कुछ भी नहीं है, ये हमें कुछ नहीं दे सकते, ये हमारी कोई मदद नहीं कर सकते, ये हाथ के बनाए हुए चीज हैं। जैसे हमने खरूज में पढ़ा है कि कोई छेदी जिसको हम छेदा है बनाया है वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकती, बल्कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है और हमारा खुदा गयूर खुदा है, और वो अपने जो उसकी बात को नहीं सुनते तीसरी और चौथी पुश तक सजा के हकदार होते हैं। लायक नहीं, हकदार, हक मैं कलाम में साबित करूंगा वो क्या होते हैं, सजा के हकदार होते हैं। और लेकिन जो खुदावन के हुक्मों को मानते हैं, इस्तिस्ना 7 बाब 9 आयत में क्या है, उनके लिए बरकत 1000 पुश्त की है। पढ़ के देखें प्लीज, निकालें प्लीज, इस्तिस्ना 7 बाब निकालें प्लीज, 7वें बाब लिखा है कि 1000 तक मैं क्या दूंगा, बरकत दूंगा, लिखा है 9 आयत में, सो तू जान ले खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके साथ 1000 पुश तक अपने अहद को कायम रखता है, और उन पर रहम, मर्सीफुल गॉड, कौन, हमारा खुदा वफादार खुदा है, वो हमारे साथ वफा करता है। लेकिन हम मीना मीना के दाकिदा जाते हैं, ऐसे मीना मीना के दाकिदा बस, तो फिर 1000 पुश बेहतर है या 3 पुश्तें, मुकाबला देख लें। वफादारी का नतीजा 1000 पुश्तों तक, और अगर हम मिसाल लगाएं, अगर हम रफली आइडिया लगाएं तो 20 साल के अंदर एक बेटे की शादी होती है तो 20 साल के बाद वो अग्नि पुश्त में हो जाता है, फिर 20 में अग्नि पुश्त तक, तो 20,000 साल तक खुदा आपके साथ है। छोटा सा फार्मूला लेकिन उसका वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे, जैसे खुदा ने इसमें कहा ना कि 7 के 70 बार माफ कर दे, उसका मतलब है कि माफ करने का आदि हो जा, माफ करने का आदि हो जा, माफी 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 माफ करना, माफी मांगना, माफ करना, माफी मांगना। और इसका यहां पर मतलब ये है कि खुदा हमेशा हमारे साथ है, हमेशा पुष्ट पुष्ट नस्लों के साथ हर लम्हे खुदा हमारे साथ है, बशर्त ये कि हम उसके अहकामात को माने, समझें, सीखें और फिर उस पर अमल करते रहें। और फिर 28 बाब में अगर हम पढ़ेंगे, इस्तिस्ना 28 बाब में, तो वहां पर पहली आयत लिखा है कि जाफशानी के साथ खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों पर अमल करो तो फिर खुदावंद दुनिया में सरफराज करेगा। दुनिया में, पहली आयत पढ़ सकते हैं, दुनिया में खुदा सरफराज करेगा। और आज मैं एक बड़े दुख से बात कहता हूं, आज सुबह मैं विकास में डिस्कस कर रहे थे, क्यों हम पस्त हो रहे हैं, क्यों पीछे जा रहे हैं, क्यों हमारी हमारा यूथ जो है वो बहुत पीछे 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 जा रहा है, कौमों और हुकूमतों कौमों के तले, गैर कौमों के तले, जो हमें वो कुछ भी नहीं है, मुर्दा खुदा की प्रस्तुत करते हैं लेकिन वो हमारे वजीर बने हुए हैं। वजह क्या है, हम खुदावन अपने खुदा की जैसा वो लायक है शायद वैसी प्रस्तुत नहीं करते। एक काम हम कर लेंगे आज, एक काम हम सीख लेंगे, उसके बाद अगला काम खुदा पे छोड़ दें। खुदा हमें मजबला से उठाकर कहां पे लेकर आता है, तख्त पर बैठाता है। मैं यहां पे एक शख्स की मैं मिसाल देकर चलूंगा, वसीम भाई से शायद बहुत से लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपनी हर बात को, हर अपनी जरूरत को, हर अपनी मुनाजात को यहां पे आता है, घुटने टेकता है, दुआ करता है, प्रभु से कहता है प्रभु मेरा यह काम करते, बस मैं उनको मक्खन नहीं लगा रहा, मैं उस बंदे की नेचर को समझा है, हरी मार भी है, आज साथ भी है, लेकिन घुटने उसके बड़े मजबूत हैं। यहाँ पे सर पे को आके पता नहीं क्या कुछ बोलता है, मैं कभी कभी सुनता हूँ, गोकान से गोकरदार सुनता हूँ, पता नहीं कितनी कितनी लंबी उसकी दुआ, लंबी लिस्ट उसकी होती है, रिपीट नहीं होती, एक बात को रिपीट नहीं करता, और उसमें से आधी चीजें वो दूसरों के लिए करता है, अपने लिए कुछ नहीं मांगता। हर रोज़
कहीं कहीं घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं। और अब भी जिस दिन उन्होंने जाना था यहाँ पे आए, मैंने कहा किसी एक बंदे को चाइना में जरूर गवाही देना जाके कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है, मेरा खुदा कादिर खुदा है, मेरा खुदा जिसकी मैं प्रस्तुति करता हूँ वो उसने मुझे मजबला से उठाया है और मुझे जगह जगह लेके जाता है। कैसे हो सकता है? एक फार्मूला, खुदा पर इत्माद करना हम सीख जाएं, अपने सुख में, अपने दुख में, अपने हालात को खुदावंद के सुपुर्द कर दें, खुदावंद हमारे लिए सब कुछ। यहां पे क्या लिखा है कि मैं खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और ये बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी, शहर में मुबारक, खेत में मुबारक, और आगे बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, मुबारक 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 मुबारक, हर हर जगह पे खुदावंद हमें मुबारक कहेगा। लेकिन अगर हम 14वीं आयत से 15वीं आयत से आगे पढ़े ना, वो घर पे पढ़ना नहीं बात मानेंगे, तो फिर आगे 65 आयत तक जो है हौलनाक बीमारियां और हॉरेबल चीजें हैं जिनको हम खुद ग्रैब करते हैं, कभी जुबान के चस्के के लिए, कभी किसी को खुश करने के लिए, किसी की फेवर करने के लिए, हम बहुत सी चीजों को हम हमारी हालत में मुश्किल आ जाती है। एक शख्स को आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, हम उसकी बात करेंगे। अस्तिष्णा 7वां बाप निकालें प्लीज। 7वें बाप की आप पहली 9 आयत को गौर से आप घर जाके पढ़ना। यहां पर पहली आयत में लिखा है, जब खुदावन तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए तू जा रहा है पहुंचा दे, और तेरे आगे उन बहुत सी कौमों को, यानी हत्तियों, जर्जासियों, अमोरियों, कनानियों, फर्जियों, होवियों, यबूसियों को, जो सातों कौमें तुझसे बड़ी और जोरावर हैं, निकाल दे। आगे फिर लिखा हुआ है कि खुदावन तुझे और खुदावन तेरा खुदा उनको तेरे आगे शिकस्त दिलाएगा। क्या दिलाएगा? शिकस्त दिलाएगा। पर काम तुझे करना है, तू उनको मार कर ले, तू उनको बिल्कुल नाबूद कर डालना, और तू उनसे कोई अहद ना बांधना, और उन पर रहम ना करना, और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना बेटे देना और ना बेटियां लेना। ये खुदा का हुक्म बनी इसराइल के लिए था, और आज ये हमारे लिए भी है। आई थिंक पहला कुरिन्थियों 14 बाप लिखा है कि क्या करना है, हमने क्या करना है, नाहवार जुए में नहीं जुतना, नाहवार जुए में नहीं जुतना। 14 बाप की छठी आयत, आज तक एक मिनट, ना हमार जुए में हमने, पर लिखा हुआ मैं आपको ढूंढ के मैसेज कर दूंगा, ना हमार जुए में हमने कभी नहीं झुकना। सो हमें इस बात को समझ आना चाहिए कि जब दूसरा क्रंथियों 6 बाप की 14 आयत है, ना बेईमानों के साथ ना हमार जुए में ना जुतो, ये लिखा हुआ है। तो यहां पर खुदा ने उनको मना किया था इन सात कौमों से कोई ब्याह शादी नहीं करनी। मैंने एक बार यहां पे एक बात आपसे कही थी, एक हमारे अजीज हैं, दूर पार के अजीज हैं, जो बेटी है ना, मेरी हाइट की है बेटी, यूके में रहती है, और बेटा पता कितना है, किरण भाई से भी छोटा है, बेटी मसीही है, बेटा सिख है, शादी हो गया आपस में, या उनको उस मसीही खानदान को दूसरा क्रम क्यों 6 बाप की 14 आयत कभी आंखों के सामने से नहीं गुजरी गई? एक उनकी बेटी है, उसका क्या नाम होगा? फॉर एग्जाम्पल उसका नाम सारा है, तो सारा सिंह होगा है, मसाल पता, या कोई और जो रोगी का नाम होता है, कोई नाम तो होगा ना, क्या वो बेटी मसीही है, क्या वो बेटी सिख है, किस है, किस किस रिलीजन से उसका तल्लक है, किस परिवार से उसका तल्लक है, किसी के पास जवाब नहीं होगा, मेरे पास जवाब उसका नहीं है।
वो ड्यूल पर्सनैलिटी है। बाप के पास जाएगी, बाप की खसरत होगी, माँ के पास जाएगी, माँ की खसरत होगी, क्या होगी बेटी को? उसके खरूज बीसे बाप की वो आयत फिट आती है कि बाप दादा की बदकारी की सजा तीसरी चौथी पुश्त तक कि वो हाथ बाद हो जाते हैं। पहली बात ये, इतनी लंबी बेटी है, इतना टिड्डा सा लड़का हो, वो जोड़ा कितना सोना लग रहा होगा, बड़ा सोना जोड़ा लग रहा होगा। फिजिकली भी वो सुटेबल नहीं, स्पिरिचुअली बिल्कुल सुटेबल नहीं, फैमिली वाइज कल्चर डिफरेंट है, एक छत के नीचे रहते हैं, क्या उनका हाल होगा? आई कांट अंडरस्टैंड। और ये आजकल का इस दुनिया का बड़ा एक फैशन बन चुका है। मैं दिल दे बैठा हूं, किसको? किसी और को। तो दिल प्रभु को दोगे तो दिल साफ भी रहेगा, हार्ट अटैक भी नहीं होगा, सब साफ रहेगा, सब बरकत की बात रहेगी। इसलिए अगर हम अपने इस बरकत को कायम रखना चाहते हैं तो फिर खुदावंत के पास आ जाएं, खुदावंत के पास आ जाएं। इसलिए सारे पैसेज को गौर से पढ़ें, हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी, हमें किस तरह से खुदावंत के पास रहने की जरूरत है। पहला सलाती निकाले प्लीज, उसका चौथा बाब, तीसरा चौथा बाब निकाले। अब मैं अपने पॉइंट पर आना चाहता हूं कि एक बादशाह के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उस बादशाह के बारे में जो बातें थी, क्या उसकी बात थी, हम उसको जरा डिस्कस करेंगे। पहला फर्स्ट किंग चैप्टर 3:5-10 जब हम पढ़ते हैं तो सुलेमान बादशाह की बात खुदावंद को पसंद आई। उसने ना उम्र की दराजी, ना शोहरत, ना दौलत, कुछ नहीं मांगा। क्या मांगी थी? हिकमत। क्या मांगी थी? क्या मांगी थी? हिकमत। चौथे बाब में सेम लिखा हुआ है, उसने क्या मांगी? हिकमत। और फिर नाने बाप लिखा हुआ है कि सबा की मलका दूर से आई उसकी शोहरत को सुन के। और ग्राम लिखा हुआ है कि बहुत सारे बादशाहों को ये बात पसंद आई कि सुलेमान के पास खुदा की दी हुई हिकमत है। इंसान की हिकमत नहीं, खुदा की दी हुई हिकमत है। यहां तक बात सबको पसंद है। और आज लोग अपने बच्चों का नाम सुलेमान रखना पसंद करते हैं, कोई बुराई नहीं बात। हिकमत वाला शख्स था, अकलमंद शख्स था। उसने जब एक दफा फैसला किया था उसके बच्चों के बारे में, दो बहनों के बारे में, जब उसने कहा कि इस बच्चे को दो हिस्से कर दो, आधा इसको आधा इसको दो, तो ये बात लोगों को पसंद आई, किसने सही फैसला किया है। आमीन। यहां तक आमीन है ना? आमीन। अब हम ग्यारहवें बाब में आते हैं। पहला सलातीन ग्यारहवें बाब में आते हैं। यहां पर इसकी एक संगीन गलती है और लिखा है, और सुलेमान बादशाह फिरौन की बेटी के अलावा, सुलेमान बादशाह फिरौन की बेटी के अलावा बहुत सारी अजनबी औरतों से, यानी मोआबी, अमोनी, अधूमी, सेदानी, हत्ती औरतों से मोहब्बत करने लगा। और अब आप इसकी जब हम तीसरी आयत पढ़ते हैं, उसकी शहजादियां थी, हरमें थी, उसकी बीवियां थी, और फिर चौथी आयत पढ़ें प्लीज, क्योंकि जब सुलेमान बुढ़ा हो गया, इस बात पे हम गौर करेंगे, क्या हो गया? अच्छा, मेरा सवाल सुलेमान बादशाह से और अपने आप से आज है, जैसे जैसे बंदा उम्र में बड़ा होता है और खुदा की हिकमत उसके पास होती है, तो उसको तो खुदा की हिकमत में, खुदा की जलाल में बढ़ना चाहिए। शीघ्र दिन चला गया है। एक मैथमेटिकली बात करते हैं ना, मैं मैथ के साथ बाइबल को सीखता हूं। जैसे जैसे ये बंदा बूढ़ा होता है और खुदा का पाखरू उसके अंदर है, खुदा के पाखरू की वो आवाज को सुनता है, उसको तो खुदावंद की नजदीकी में, खुदावंद के जलाल में रोज बढ़ना चाहिए। ये किस तरह चला गया? उसके पीछे बहुत सारी
बीवियां, बहुत सारी अच्छा ना सिर्फ बीवियां, बहुत बस बीवियां, असरात को मानने वाली, ये सीरतें बनाने वाली, और इन सारी कौमों से जो यहां पे दर्ज की हुई हैं, खुदा ने मना किया था, अमोनियों से, यबूसियों से, हतियों से, फर्सियों से, हवैयों से, इन सारी कौमों से कोई नाता कायम नहीं करना। शायद इस बुढ़े को, इस सुलेमान बुढ़े बादशाह को इसके अंदर पे पर्दा पड़ गया है कि खुदा ने इब्तदा में एक पसली चार मददगार, एक पसली एक मददगार, सुने साहब गौर से, एक पसली एक मद, कितनी, एक पसली एक मददगार। इसलिए जब पसलियां ज्यादा हो जाएं तो फिर क्या होता है, बंदा बुत प्रस्ती की हालत में चला जाता है। ये कॉज है, बहुत बड़ी कॉज है, और मैं जब भी किसी शख्स के बारे में ये सुनता हूं, इसमें दूसरी चार देवी है, तो पहली बात मुझे उस पर गुस्सा आता है, जाके मैं मारूं इसको, वो तो मैं कर नहीं सकता। फिर मैं क्या करता हूं, यहां पे रोटी देखता हूं, रोता हूं मैं उसके लिए, रोता हूं, इतना रोता हूं कि जब तक मेरी आंखों से आंसू ना जारी हो जाए, मैं उसके लिए रोता रहता हूं, क्योंकि मुझे इस बात का इल्म है कि जब भी कोई शख्स सुलेमान बादशाह की तरह मल्टीपल मैरिजेस में आता है, ज्यादा शादियों में चला जाता है, ज्यादा शादियां करना पसंद करता है, उसका मतलब है वो बुत परस्ती के तले आ गया है। कलाम में लिखा हुआ है कि तू मेरे हुक्मों को जान पहचानी से मान। खुदा ने आदम के लिए एक ही बीवी का बंदोबस्त किया था, और ये खुदा की हिकमत को लेकर, पहले इसने दौलत नहीं मांगी, शोहरत नहीं मांगी, बेटियां नहीं मांगी, घर नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, सिर्फ क्या मांगी थी, खुदावंद इंसाफ करने वाला दिल दे दे। अब क्या हो गया इसको, शुरू शुरू में जब कपड़ों की शादी होती है ना, तो बड़ा आई लव यू होता है, और आई लव यू शायद 3 महीने के बाद ना मेड इन चाइना हो जाता है, मेड इन चाइना आई लव यू, सुबह क्या शाम को खबर हो। जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं, अपनी शरीक हयात के साथ मोहब्बत की इंतहा होनी चाहिए, मोहब्बत की इंतहा, मुंह से बोले ना बोले, आई लव यू ना बोले कोई बात नहीं, दिल से कहें मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, और ये काम का फैसला है। पदार्थ 224 में लिखा है, खुदा ने मियां बीवी को वन, एक 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 का लिखा है एक, और यूहन्ना 19:30 में लिखा है, तो आपने सुनने कहा मैं और भाव एक हैं, वो वननेस। मेरे बहन भाइयों, यहां पे इस पूरे हवाले को आप पढ़ें, अब सिर्फ वहां पे इसका दिल वहां पे गैर मबूदों की तरफ माइल हो गया, और उसका दिल खुदावंद के साथ कामिल ना रहा जैसा उसके बाप दाऊद का। दाऊद बादशाह वेला सी बिल्कुल, दिन में 7 बार वो खुदावंद की प्रस्तुति करता था, और प्रस्तुति के लिए मुझे पता है भाई क्रिस्टोफर आधा घंटा गिटार को ट्यून करने पे लगाता है, 7 बार वो गिटार को ट्यून करता होगा, 7 बार ट्यून करता होगा, कितनी वर्षित करता होगा, बदिलो जान खुदा के हुजूर प्रस्तुत करता था। इसलिए खुदा ने कहा है कि उसको अपने बाप दाऊद की तरह उसका दिल खुदा के साथ कामिल ना रहा, और उसने ये सीरतें बनाई, वहां पे सजदा किया, और उसने अमोनियों के नफरती मोलक बनाए, कायम किए, और अजनबी बीवियों के साथ उनके देवताओं के हजूर कुर्बानियां गुजरानी, और खुदावंद सुलेमान से नाराज हो गया। खुदावंद खुश नहीं होता, हमारा खुदा गयूर खुदा है, खुदा नहीं चाहता कि खुदा का मेरे अलावा आपके अलावा योर पार्टनर हो, खुदा वन टू वन बात करना चाहता है। रात को मैंने एक कलाम सुनाना था, एक किसी वजह से मैं नहीं सुना सका, खुदा अकेले में बात करना चाहता है, वन टू वन खुदा बात करना चाहता है, खुदा किसी को शरीक नहीं करना चाहता, खुदा चाहता है कि सिर्फ खुदा हो और मैं हूं, खुदा हो और आप हो, अलहदगी में
वन टू वन खुदा बात करना चाहता है, लेकिन इस शख्स ने खुदा की हिकमत को पाकर ये सीरतों में बुतखानों में चला गया और उनकी कुर्बानियों को उनके सामने कुर्बानियां गुजरान कर। हालांकि इसको पता है, एक कलाम में लिखा हुआ है, खुदा एक खुदा है, हिकमत से भरा हुआ शख्स है। इम्साल की पूरी किताब इसने लिखी है। क्या हिकमत की बातें वहां पे कह रहा है वो। खुदा का खौफ हिकमत का शुरू, ये उसी बंदे ने लिखा हुआ है। खुदा का खौफ तो खुद की कार लिया है। और अगर हम इस बात के अंदर आज हैं कि मल्टीपल शादियां लोग करते हैं, एक को छोड़ा दूसरी, दूसरा तीसरी, चौथी पांचवी छठी सात तक पहुंचते हैं, या बदकारी के आलम में रहते हैं, उनके बुतों के अंदर जाकर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो खुदा गुस्से में आ जाता है, खुदा गैरत में आ जाता है। अब हमने पढ़ा क्या है, तीसरी और चौथी पुश्त की सजा। आगे चलते हैं, अब आ जाए आप चौदह बाप है, प्लीज, चौदह बाप की 22 और 24 आयत पढ़ती है। इसका बेटी, इसके बेटे ने क्या किया है, और सुलेमान का बेटा रुजआम यहूदा में बादशाह था, और रुजआम 41 बरस का था जब वो बादशाही करने लगा, और यरूशलम यानी उस शहर में जिसे खुदावन ने बनी इसराइल के सब कबीलों में से चुना था ताकि अपना नाम वहां रखे, 17 बरस सल्तनत की, और उसकी मां का नाम नौमा जो अमोनी, और अमोनिया से खुदा ने मना किया था। अमोनी मां का बेटा है, जैसी मां, और लिखा है यहूदा के, और यहूदा के खुदावन के हुजूर क्या की उसने, बदी की, और जो गुनाह उसके बाप दादा ने किए थे उनसे भी ज्यादा। सुलेमान ने क्या किया था, ये सीरतें बनाई, बुतप्रस्ती की, मल्टीपल शादियां की, बुतप्रस्तों में शादियां की, लिखा है कि उनसे भी ज्यादा उन्होंने की, और लिखा है उन्होंने अपने गुनाहों से जो सरजद हुए थे उसको गैर को ब्रांगेता किया, और उन्होंने अपने लिए हर एक ऊंचे टीले और हर एक हरे दरख्त के नीचे ऊंचे मकाम और सतून और ये सीरतें बनाई, और उस मुल्क में लूटी भी थे, और ये सब आबादियां आप पढ़े। खुदा को गुस्सा दिलाया सुलेमान के बेटे ने। दूसरी पुश्त होगी, आप तीसरी पुश्त की बात करते हैं, 15वें बाब पे आप तीसरी आयत पढ़े। पहली आयत से पढ़ता हूं, और नबात के बेटे यरोबाम की सल्तनत के 18वें साल से अबियाम यहूदा पर ये कौन है, अबियाम बादशाह। तीसरी पुश्त आ गई, लिखा है सल्तनत करने लगा, और उसने यरूशलेम पर 3 साल बादशाही की, और उसकी मां का नाम मौका था, और अबिश्लोम की जो अबिश्लोम की बेटी थी, उसने अपने बाप के सब गुनाहों में से जो उसने उससे पहले किए थे उसकी रवश इख्तियार की, और उसका दिल खुदावन अपने खुदा के साथ कामिल ना था। ये तीसरी पुश्त। मेरे बहन भाइयों, जब तक हम खुदावन यीशु मसीह के लहू में नहीं छिपते, ये बुत प्रस्ती, ये सीरतें, ये बीमारियां, ये तकालीफ, ये मसाइल पीछा नहीं छोड़ते, सिर्फ यीशु का लहू है। पहला यूहन्ना पहले बाप साथ में लिखा है, सिर्फ और सिर्फ यीशु का लहू है जो हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। अगर सुलेमान बादशाह तोबा कर लेता, अगर उसका बेटा तोबा कर लेता, उसका पोता तोबा कर लेता, तो गुनाह यहां पे रुक जाता। आप इस पूरे तवारीख को पढ़ें, सलातीन को पढ़ें, तो बादशाहों के जिक्र है वहां पे कि उसने अपने बाप दाऊद की तरह काम ना किया। दाऊद से एक गुनाह, एक गलती साजिश हुई थी। उसने जब 51 बुरा पढ़ते हैं ना, ऐसे लग जैसे वो ना कोनियों के बाल और घुटनों के बाल बैठ कह रहे हैं, खुदावन प्लीज मुझे माफ कर दे, तेरा पाप रूप मुझसे जुदा ना हो। हम माफ करने के बजाय वो मोड़ लेते हैं, ऐसे जैसे पॉल भी ना राइट टर्न लेफ्ट टर्न है ना, ट्रेडमिल लेफ्ट टर्न राइट टर्न होता है, हम अबो टर्न बताते हैं,
पीछे मुड़ जाना है। ना 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 बस खत्म खत्म, तू मेरा भरा है, भरा है बस बस। फतेहना मेरी गल बात कुछ नहीं, मौती का तो तल्लक हमारी जिंदगी में है ही नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने कहा था 7 के 70 बार मौत करने का आदि हो जा, मौत करने का आदि हो जा, मौत करने का आदि हो जा, मौत मारने का आदि हो जा, और किसी को खत्म करने का वह हाल ये है भाई। यीशु माफी मांग ले, सब कुछ स्वाप हो जाए। और अब प्लीज कभी नहीं चाहता कोई शख्स SORRY कभी कभी नहीं चाहता, लेकिन जहां सॉरी आ जाएगा ना वहां पे अमन हो जाता है। क्या होता है? पीस, अमन, शांति, शालोम आ जाता है। यही बात अब्लीस को सामने नहीं है, और जल्दी पे आग डाल के तेल डाल के जो है उसको भड़काता रहता है। हमने क्या बात सीखी है? 3 बादशाहों का जिक्र हमने पढ़ा है, नस्ल दर नस्ल बुत परस्ती करने के वसीला से बर्बाद हो गए। सो हमें करना क्या है? यीशु के लहू के तले आके, यीशु के लहू में छिप के अपनी सारी उन तकालीफों को, उन सारे गुनाहों को, बदियों को इकरार करके कहें, जैसे मैंने बचपन में दास काम सीखे थे, हम कह सकते हैं सच्चा जिंदा एक खुदा ते भूतां दी पूजा ना कर। सादगी से सीख ले, एक खुदा के पीछे हम चलेंगे। अब थोड़ी जर्सी बात करते हैं। खरूज की किताब निकालें प्लीज, खरूज की किताब उसका 32 बाब पढ़ें, 32 चैप्टर। खरूज की किताब 32 बाब पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई, अब इसकी जब 10 आयत तक पढ़ते हैं ना, तो फिर हमें समझ आती है। अब इसका जो मैंने सम ढूंढा है ना, वो ये है, चर्च में 2 लोग होते हैं, जैसे एशिया में एक मूसा है एक हारून है, ऐसे में इस पैसेज में आप गौर से पढ़ना। एक मूसा है जो कहां पे बैठा है? खुदा के पास, पहाड़ पर खुदा से बातें कर रहा है। एक हारून साहब है जो चर्च का इंतजाम कर रहे हैं, इस लोगों का इंतजाम कर रही है। मूसा ने देर लगा दी पहाड़ से उतरने में, लोगों ने क्या कहा, इस मूसा को क्या हो गया है कि 40 दिन के दुआ और रोजे में ठहर गया है, खुदा के साथ बैठा हुआ है, खुदा के पास बैठा हुआ है, इसको क्या हो गया है? असी भूखे मर रहे हैं, रोटी की कोई फिक्र नहीं, बिरयानी की कोई फिक्र नहीं, और उसने फिर क्या किया? यहां पे मैं इस बात को मैंने सीखा है कि मूसा और हारून के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। हम जितने चर्च के अंदर हैं, बुजुर्गों से लेके छोटे बच्चे के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, वन स्पिरिट वन अकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन हारून ने मूसा की बात ना सुनी, खुदा की बात ना सुनी, किसकी बात सुनी? पब्लिक की बात सुनी। और आज भी मुझे दुनिया के और मुल्कों का पता नहीं है, मुझे पाकिस्तान का पता है, मोस्टली चर्चेस में मूसा की खिदमत किसी के पास नहीं है, हारून की खिदमत सबके पास है। ठीक है, वो रेफरेंस देते हैं कि हारून को बाहर के तौर पर खुदा ने बनाया है, इसमें कोई शक नहीं, खुदा ने बनाया है, खुदा ने खड़ा किया है। लेकिन यहां इस सिनेरियो को देखें प्लीज, इस सिनेरियो को, इस हारून ने सारी बातों से डिस्कस किया, बहनों से डिस्कस किया, बहनों के कड़े देखे, बहनों की बालियां देखी, और बहनों के जेवर देखे, अंगूठियां देखी, बहनों की ले आओ ले आओ ले आओ ताल ताल, और हारून की बात वैसी बहन वो सुन ली है, सारा जमा कर लिया, और जमा करने के बाद क्या कर लिया, फिर कहा क्या, ये पढ़े प्लीज, यहां पे लिखा है, और वो सुबह सवेरे उठे, मैं इसकी पढ़ता हूं,
चौथी आयत से, और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया जिसकी सूरत छैनी से ठीक की। ये खुदा कलाम के खिलाफ उसने बात की है। खुरूज में लिखा हुआ है कि कोई तराशी हुई मूरत, कोई बनाई हुई मूरत ना बनाना। ये खुदा के कलाम को उसने क्या की है, नफी की है। और तब कहने लगे, आए इसराइल, यही तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल लाया है। क्या ये देवता निकाल लाया था? निकाल के तो जिंदा खुदा लेके आया था ना। तो यहां पे भी कलाम की नफी, पहली बात ये उसने देवता बनाया, फिर कलाम की नफी की। फिर आगे लिखा है कि देख ये हारून, हारून ने उसके आगे एक कुर्बान का बनाई। एक और गुना किस कौन कर रहा है? ये समझदार बंदा है, जैसे समझदार सुलेमान बादशाह था ना। ये समझदार काहिन है, बुजुर्ग है, कलीसिया का पासवान है, कलीसिया का हेड है, समझदार आदमी है। और उसने क्या किया है, और उसने कुर्बान का बनाई और ऐलान किया, जैसे मैं ऐलान करता हूं कि 13 दिसंबर को क्रिसमस है, सब अच्छे कपड़े पहनेंगे, हम इबादत करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। और इसने भी ऐलान किया है, क्या क्या किया है कि कल खुदावंद के लिए ईद। सजदा किस कर रहे हैं? देवता को। पूजा किसकी कर रहे हैं? देवता की। और फिर आगे लिखा है, और दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर उन्होंने कुर्बानियां चढ़ाई। अहबार 3:5 में लिखा हुआ है कि ये सोखती कुर्बानी, ये सलामती के ज़बीहे जो हैं, सिर्फ खुदावंद के लिए हैं। ये किसके सामने गुजार रहा है? बुत के सामने, उस ढाले हुए बछड़े के सामने। और फिर आगे लिखे, आगे जब पढ़ते हैं तो खुदा ने गुस्सा किया इस बात के लिए, लेकिन मूसा का दिल देखिए। 11वीं आयत पढ़ी, खुदा मूसा ने खुदावन अपने खुदा के आगे मिन्नत की, तेरा गजब ना बढ़ के। और फिर लेकिन खुदा ने फिर आप इसको जब आप 32 बाब की 27 आयत से पढ़ते हैं तो उस दिन 3,000 लोग कत्ल हुए। किसकी वजह बनी, कौन बजा रहा हूं? आम आदमी नहीं, अब्लीस का सबसे बड़ा ताकत चर्च में जो पासवान खजांची, उसके बाद खजांची, उसके बाद एल्डर, ये तीन लोग अब्लीस के प्राइम टारगेट पर होते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इनको बदलाकर कोई ढाला हुआ बछड़ा बनाकर या तो हम उसको इग्नोर करते हैं या उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। इग्नोर करना उतनी खतरनाक बात है और पूजा करना भी उतनी ही खतरनाक बात है। मेरे बहन भाइयों, 3,000 लोग उसी दिन सभा हस्ती से मिट के कत्ल हो गए। वजह कौन है? कलीसिया नहीं है। वजह कौन है? पासवान है। वजह कौन है? हारून है। वजह कौन है कि उन दोनों के बीच में तैयार नहीं होना चाहिए, और क्लीसिया और पासवान के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जैसा कलाम है, हां की जगह हां और नहीं की जगह नहीं होना चाहिए। कलाम ने लिखा हुआ है कि कोई तराशी कोई मूरत ना आसमान पर ना जमीन पर ना जमीन के नीचे ना पानी में कहीं पर भी उसको सजदा नहीं करना। और ये शख्स है, इसको इन बातों की समझ है, समझ थी। क्या किया है? इग्नोर। क्या किया है? इग्नोर किया है। सजा किसको किसको मिलती है? इस बदकसी की सजा किसको मिलती है? आप 34 बाब में देखें प्लीज, 34 चैप्टर जब हम पढ़ते हैं 27 आयत में, तो पहले खुदा ने वो तख्तियां लिख कर दी थी मूसा को। अब क्या किया है? खुदा ने मूसा से कहा, तू क्वायर लीडर है ना, हेलो भाई क्वायर लीडर, मिसाल दे रहा हूं क्वायर लीडर ना, उन लिख दे। खुदा ने फिर उन पत्थरों पे मूसा से कहा, अब तू लिख, तेरे लिए सजा है। मेरे बहन भाइयों, ये तो एक शख्स की बात है। जब हिजकिय्याह नबी का सहीफा आप पढ़ते हैं, बदकारी बुतपरस्ती गुनाह किया था बनी इसराइल ने, सजा किसको मिली वहां पे? आप उसको पूरा पढ़ना प्लीज, आजकल उसकी स्टडी कर रहा हूं, हिजकिय्याह की स्टडी कर रहा हूं। खुदा ने हिजकिय्याह से कहा, तो एक करवट 390 लिखा हुआ वहां पे, 390 दिन तक एक करवट पर लेटना,
और 390 दिन के लिए रोटियां पकाले, पकानी कैसी है? कैसे पकानी है? वहां पर बढ़ता है इंसान के फुसला को लकड़ियों की जगह पे इंसान के फुसला से रोटी पकानी है, कितनी स्मेल आती होगी। गुनाह किसका है? बनी इसराइल का। बस गाली किसकी है? बनी इसराइल की। और बच्चा किसने बनाया है? बनी इसराइल ने बनाया था, पूजा उन्होंने की है, लेकिन खुदा ने मूसा से कहा था अब तो अपने हाथों से ले। और अब यहाँ पे क्या है? बदकारी बनी इसराइल की है, गुनाह बनी इसराइल का है, और खुदा ने हिजकिय्याह से कहा था। तो इंसान की शिक से, इंसान की फुजले से 390 दिन के लिए रोटियां पका ली। और आज हमारे पंजाब में सुबह की पंदी रोटी शाम को कोई नहीं खाता, यहां तो फ्रिज में रख देते हैं ना, वहां कहते हैं बही हो गई है, बासी हो गई है। उस बदकारी की, उस गुनाह की सजा एक नबी को मिल रही है। 390 दिन की करवट पे, 390 दूसरी करवट पे। तो मेरा ख्याल जैसे वो बातें बोलते हैं जो हम लोग क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, वो पाए तो जाते हैं क्या, जो बॉडी पे लेटनेस हो जाते हैं, क्या वो नहाया होगा? कुछ कपड़े भरते होंगे। एक साल से ऊपर तक एक करवट पे, एक साल से ऊपर तक दूसरी करवट पे बेचारा पड़ा रहा। और फिर वो किस अजियत से खुदा के हजूर को मिन्नत करता रहा। मेरे भाइयों, उस पूरे आप सहीते को गौर से पढ़ें, किस सजा से मूसा गुजरता है। क्रिश्चिया को क्या कहेगा? तो बदल दे, थोड़ा हो गया तो बागी करा दे। ये कहेगा भाई टाइम ना गिर जाओ, दुआ करो, रोजा रखो, इनू हो कोई काम हो गया बिजनेस से। बिजनेस नौकरी ये नहीं करेगा, इन्हू कौन चंदा देगा? तो भाई मैं चंदा भी नहीं मांगता, मैं कह रहा तू मुफ्त आओ। भाइयों, एक हौलनाक तस्वीर आज के दौर की है। और बहुत सारे पासवान, बहुत सारे खुदा के जो लोग हैं, अपनी उम्र से बहुत पहले इस जमीन से रुखसत हो जाते हैं, उनका कसूर नहीं होता। क्रिश्चियन दामन नहीं करती, क्रिश्चियन सुनती नहीं। किसी की काउंसलिंग करे ना, तू कहते हैं तू मेरे अंदर ना गुनाह लबड़ गया है, मेरी बदकारियों के बारे बात कर रहे हो, मैं तो रास्तबाज शख्स हूं। प्लान लिखा है कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, सबने गुनाह किया और खुदा के जनाब से महरूम है। सिर्फ यीशु का लहू है जो हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। इसलिए अगर हम अपने बाप दादा की बदकारी की सजा से बचना चाहते हैं, एज पॉसिबल एज सून एज पॉसिबल खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर ले। उसमें जिंदगी है, और कौन सी? कसरत की जिंदगी। जिंदगी है और कसरत की जिंदगी है। और जो कोई खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेता है, फिर वो कहता है सच्चा जिंदा एक खुदा के भूतान की पूजा नहीं करते। मेरे बहन भाइयों, खुदा की हजूरी में हमें रहने की जरूरत है, और खुदा के कदमों में रहने की हमें जरूरत है। 18वां बाब निकाले प्लीज, पहला सलातीन 18वां बाब प्लीज निकाले। और इसको भी मेरे बहन भाइयों घर में गुजरा गौर से पढ़ना, फला देने वाली बातें हैं। एलिया की बात है, एलिया 18वें बाब की 21वीं लिखा है, एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावन ही खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, अगर बाल है उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हरफ जवाब ना दिया। हम आज के दौर के जो ईमानदार हैं, दे आर बिलीवर बट नाइकी बिलीवर। नाइकी शूज देखा आपने, लिखा होता है कैसे बड़ा खूबसूरत उसका स्टाइल बना होता है,
नाइकी फ्लेवर। यू नो व्हाई? कि देखो आपका यासन में मैं क्या कहना कि तोबा का कि बपतिस्मा लेला ते नाराज ना हो जाए, नाराज यार नाइकी फ्लेवर, नाइकी पास तो नाइकी फ्लेवर। कब तक हम दो ख्यालों में डामाडोल रहेंगे? बाल की पूजा और बुतों की पूजा और जिंदा खुदा की पूजा। और यहां पे इस पूरे हवाले को आप पढ़ें और फिर आगे करना क्या है, आप प्लीज इसकी आ जाएं 30 आयत में, 18 बाब 30 आयत में। तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे नजदीक आ जाओ। सब लोग उसके नजदीक आ गए। उसने खुदावन के उस मजबा को जो ढा दिया गया था मरम्मत की। पहला काम करना मजबे को दुरुस्त करना है। हम पहला करंथियों तीसरे बाब 16 के मुताबिक हम जिंदा खुदा का मकदस हैं, और रोमियों 3:23 के मुताबिक सबने गुनाह किया है, खुदा के जलाल से कन्फेस करना है, और इस मजबा को अपने वजन को सबसे पहले दुरुस्त करना है, खुदावन के पास लेके आना, अपने दिल को अपने बदन को अपने पास ना रखिए। अपने पास रखेंगे तो खराबियां आ जाएंगी, कितने वाल बंद हो जाएगा, कितने गुर्दे फेल हो जाएंगे, कितने कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। अपने पास मत रखें, इसको खुदावन के हवाले कर दें। और इसने क्या किया, सबसे पहले मजबा को दुरुस्त किया। आगे लिखा हुआ है कि उसने इसराइल के 12 कबीलों के मुताबिक शुमार के मुताबिक जैसा कलाम उसको मिला था उसने 12 पत्थर लिए और उनको तरतीब से खुदावंद के कलाम के मुताबिक उसने मजबा बनाया और एक खाई खोदी, उसने पानी भरा, फिर पानी भरा, फिर पानी भरा, और पानी कलाम, कलाम पानी जो है वो कलाम का अक्स है। आज हम कलाम को सुन के सुन नहीं हुए, अब हम सुन नहीं है, सुन नहीं होते, आदि हो गए हैं। आज संडे है, आज संडे है, मजबूरी कलाम सुनने हैं, तो सुन के ऐसी ऐसी कान चार दिन है उठे छाता है, आदि हो गए हम कलाम सुन सुन आदि आदि फोन मेरा सुन सुन के आदि हो गए हैं कि भाई ने कहीं भी लेना बस आदि हो गए हैं। मजबा को क्या करना है, खूब पानी खूब पानी खूब पानी भरना है, और जबरीना तक ऊपर तक पानी आ गया है। और उसने क्या कहा है, फिर वो एलिया कहां पे चला गया है, अमाल दूसरे बाग पे चला गया है कि उसने आसमान से आग मांगी और आग पूरी कुर्बानी को चटका गई, मजबा को दुरुस्त कलाम, और उसके बाद धूल को उसकी आग को चारों तरफ से हमें घेरने की जरूरत है। हम धूल को उसकी आग के शुरू में डाले, 3 लोग गए थे, नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो खुदा का खुदावन यीशु मसीह उनके बीच में था, और जहां पर रूह कुदस की आग है वो जलाती नहीं है, वो पाक करती है, प्योरीफाई करती है, जलानी बनाती है, अनोखे तौर पे खुदा वहां पर काम करता है। इसलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है। और फिर वो लोग जो झूठे नबी थे 450 लोगों को उसने क्या कर दिया, हमारा खुदा गयूर खुदा है, जब मस्बा को दुरुस्त करते हैं उसमें पानी डालते हैं, रूह को उसकी आग मांगते हैं, फिर बुत हमारे सामने खड़े नहीं रह सकते। बुत तो बहुत फिर किशु गैर शक ये है, मस्बा को दुरुस्त आग और फिर पानी और आग जब हम डालते हैं, और एक काम से कहा था कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। इसलिए मेरे बहन भाइयों इस बात को आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आखिरी बात करूंगा, यशवा 24 बाब निकाले, क्या लिखा है वहां पे, 24 बाब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, अब तुम खुदावंत का खौफ रखो और नेक नीति और सदाकत से उसकी प्रस्तुत करो और उन देवताओं को दूर करो, देवताओं को दूर करो
जिनकी प्रस्तुत तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे, खुदावंद की प्रस्तुत करो। और अगर खुदावंद की प्रस्तुत तुमको बुरी मालूम होती है तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तुत करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तुत तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया उस पार करते थे, या अमोरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की प्रस्तुत करेंगे। चुनना है, सिलेक्ट करना है, हम प्रस्तुत किसकी करते हैं, किसको हम खुदावंद मानते हैं। तो अगर तुम बीच की बिल्ली है ना, कभी किधर कभी किधर, एक हमारे पंजाब में एक बात करते हैं, थाली का बैंगन, थाली में रहने लगते हैं, कभी इधर कभी घूमता रहता है। हमें घूमना नहीं है, खुदावंद के कदमों में झुक जाना है, अकड़ा थकड़ा नहीं है, खुदावंद के पास बैठे रहना है। यशुआ ने कहा, रही मेरी और मेरे घराने की बात, मैं तो जिंदा खुदावंद की प्रस्तुत करूंगा। हम किसकी प्रस्तुत करते हैं, हम गीत गाते हैं, हम किसकी प्रस्तुत करते हैं, किसको खुदावंद मानते हैं। अगर तो हम जिंदा खुदा के हुक्मों को मानकर हम आगे बढ़ते हैं तो खुशी की बात है। ये पहला हुक्म था और पहले हुक्म में हमने इस बात को सीखा है। और मैं एक बात सीखना प्रकार भाई से एक सवाल किया, अगर हम बैंक अकाउंट अगर हमारा नहीं है, एटीएम बन सकते हैं, बैंक अकाउंट हमने खुलाया नहीं है, एटीएम बन सकते हैं, नहीं बन सकता, मुश्किल है, पिन कोड भी नहीं मिलेगा, पैसे कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसी बात है। तो बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए पहले स्टेप को आज अबूर कर ले, पहले लोगों को मान ले। हम बड़ी दुष्टी लोग करते हैं, माँ बाप की इज्जत करो, खून ना करो, चोरी ना करो, जना ना करो, झूठी गवाही ना दो, बेगाना और का लालच ना करो, सब कुछ ना करो, सबक को पाक मानो, तो पैदा को भी मान लो, पैदा अकाउंट खुलवाओ, फिंगरप्रिंट करो, एटीएम लो, अकेले चलते जाओ। तो अगर हम पहले तो किताबें मान नहीं करते, खुदावंद के पास सच्चे दिल से अपने दिलों को चाक करके, दिलों के अंदर जो गुबार भरा हुआ है उसको नहीं निकालते, गैर मबूदों के सामने, गैर मबूदों की दावतों में, गैर मबूदों की प्रस्तुत करना अच्छा लगता है, जस्ट टू प्लीज देम, तो फिर मत समझे कि दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे सातवें आठवें नौवें दसवें और ग्यारहवें सूची में कहा था, मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी कुवत, अगर से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर और इससे बढ़ के अपने पड़ोसी से। हम आखिरी में थक पहुंच जाते हैं, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, तो करनी चाहिए, तो पहला तो मान लो भाई शॉर्टकट, पहला ठाकर की हाल में पहुंचने, पहला करके पहला शॉर्टकट की हाल में पहुंच जाने का व्हाट अ सेंस वी हैव, क्या हमारे पास। और जब मैं इस सारी बातों को तफसील से सोच रहा था तो मेरे सिर्फ आंसू थे, आंखें थी सिर्फ मेरी। आज जमान में कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ गैर माबूदों के पीछे भागते हैं। 16 बोल निकालें प्लीज, क्या लिखा हुआ है, आई थिंक चौथी आयत है, सिर्फ साम 16 बोल, आई थिंक चौथी आयत, गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम, सब बोले गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा, मैं उनके से खून वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और अपने होंठों से उनके नाम नहीं लूंगा। ये कौन कह रहे हैं, बादशाह। मेरे बहन भाइयों, आज हासिल कलाम ये है कि इस 10 अहकाम को जो हमारी हम कह सकते हैं कि मसीही जिंदगी का बेस है,
चर्च का बेस है, क्योंकि खुदा ने मुल्क मिस्र से हमें निकाला है, मुल्क मिस्र से निकाला है, लेकिन हमने मिस्र को दिल में छुपा लिया है, कहीं दिल से बाहर ना निकल जाए। मूसा से कहा, इस मौसम को क्या हो गया है, ऐसी लंबी दुआ, इतनी देर खुदा की हजूरी में, एक मिनट की दुआ काफी होती है, बस शुक्र बात करो, ऐसे करो, बस प्रार्थना करो, क्या हो गया इस मौसम को, हम शांत कर लेगा। अपना हम तजिया कर सकते हैं, अपने आप को हम खुदावंद के पास लेकर आएं।